अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आओ जरा तुहानू अज सैर कराइए पीर गाजी की। तुहानू याद होगा, दिखाना जी कैमरामैन साहब, इधर पहला मेला लगता सी, वह गाँव मेला है पुरुष, उधर दिखाओ जी पुरुष बसवा है नाल पिछे वे खराना पीर गाजी कट्ठे ही कहते हैं इन्हों खराना है और वापिस आओ तो है पीर गाजी। आओ तुहानू जरा अंदर दरबार तक लैके चलीए, इस जगह की सैर करिए जिथे पहला मेला लगता सी, बाकी सारी एक्टिविटी सी जहर वो तो बंद हो गई है, ते चलो मेरे ना चलो अंदर चलिए। दरबार दे दूसरी साइड दे उत्ते मेला लगदा हुंदा सी किसे वेले, और उत्ते 10-15 जिसले कणकां दी कटाई हुंदी उसले ओह आंदा सी, उसले 10-15 दिन दा मेला, सारे लोग अपनी अपनी दुकानां लै के आ जांदे सन इत्थे, उत्थे बाहर सारे अगे मैं जगह दिखाना सारा उत्थे मेला लगा हुंदा सी सारी जगह दे। हूँ ऐड़ी है जगह इन्होंने कवर करके, ऐ सारे मतवले ने जिन्हें घर ने नाल है सारे, इधर सारे वाले ने ए वाले इतने मेला लगता सी, मेले के बाद नाल ए कोने देखे दरबार है, मेरे ख्याल अंदर चलिए तुम्हें दरबार भी दिखाने भी बाकी चीज़ें दिखाने। चलो जी आओ जी मैं तुम्हें दिखाव भी मेला कितने लगता सी, ए रस्ता आता सी साढ़े जितने गाँव ने अगे कश्मीर तक टोटल जितने सन सारिया छोटी छोटी दुकाना सारिया जो जितनी कश्मीर और साढ़े गाँव के पिछू काफ़ी दूर तू लोग आते सन, इन्हें जमीन के उत्ते आके वो अपनी दुकाना सजाते सन। ठहरो मैं तुम दिखाना एक बार, मैं रस्से से पहुँच जावा दिखाना सन। ए लो जी ए जगह और तुम दरबार नज़र आ रहा होगा, तुम थोड़ा मैं जूम करके दिखा देना, ए दरबार ए जगह सारी होंगी सी मेले की दुकान वे, इतने कबड्डी भी होंगी, कबड्डी वाली जगह तुम्हें दिखाना। आओ जरा दरबार दे अंदर चलिए, इतने दुकाना लगदी सन सारिया बहुत ज्यादा, दरबार की इंतजामिया वालों गाजी वेलफेयर ट्रस्ट के वालों लिखा हुआ है कि आने वाले हर मेहमान को तय दिल से खुश आमदीद। लो ए एक रस्ता है जाने का पीर गाजी दरबार का, और तुम देखोगे एक जामिया बनया बराए तालबात, ठीक है यह बिल्डिंग वो है मेहमानखाने के तौर पर, बाकी चीज़ा इतने हैं ऊपर तुम देख लो जामिया तो दारुल कुरान पीर गाजी बराए तालबात। आओ अंदर चलने दरबार दाखले वाला गेट है, तुम देखोगे इधर मस्जिद है, ए वजूगा बनी नाल नाल है कारखाने उसने बने ने, बकायदा इंतजाम है सारा, और मस्जिद की सफाई सुथराई अंदर मस्जिद है, यह रस्ता ही आंदा दरबार के वाल। ए दरबार का आता, इतने कुछ पुरानी कबर ने बहुत पुरानी पुरानी, यह तुम बाद इजारत करा उन्हें कबर की, पहला तुसी दरबार की इजाजत करो, इत्थे लिखा खाक इस्तेमाल करने का तरीका, ऐ लो लोग इत्थे मिट्टी लैके आते हैं, लिखा की है दर्द चंबेली और फुलेरी और दूसरी तीसरी जी चीज़ ने उन्होंने वास्ते लोग लैके आते हैं इस्तेमाल करते हैं, और यह जगह जिथों लोग मिट्टी लैके आते हैं, अपना अपना अकीदा हर बंदे का, उन्होंने शफा मिलती है अल्लाह ताला शफा देने वाला, तो ऐसे गल लैके आते हैं। पहले यह रस्ता होंदा सी इधर, यह रस्ता सी इधर गेट होंदा सी, यह बिल्डिंग सारी जी नहीं बनी है, अच्छा देखो लो जी दरबार के अंदर असी मेरे हल्ले फातिहा पढ़िए, एवं जुतियां बाहर ही उतारना, थले जुतियां उतारनिया ने थले बाहर वाली साइड उतारनिया जुतियां, फातिहा बार दा ए अंदर कबर दा ए एंट्रेंस अंदर वाली साइड दे उत्तों। लो जी तुहानू मैं बाबा जी दा नाम अहमद साहिब पेशां करो जी, हजरत सैयद
पीछे करो जी। हार गुलाम मईउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लक़ब पीर गाजी, ठीक है। बाकी कुछ फारसी च लिखे है वो सीधा तर्जमा नहीं कर सकते। यह है पीर गाजी का दरबार, यह उन्होंने कबर जिथों लोग दूरों दूरों आते हैं अपनी मंतम राधा वाते। चलिए जमा साहब, छोटी जी चिड़ी इन्हू कहें हिमिंग बर्ड, वो ब्लू कलर की है जो पौधा जिद को मैं खड़ा इन कहें डेलिया का पौधा। डेलिया का पौधा ए तुम तो फुल देखो, ओ हो क्या खूबसूरत फुल ने यार। ये समझ लो कि हम कलर इन्हों दारा वर्ग, वो देखो नाल जी छोटी जी चिड़ी शरारत कर रही है। इन्हें अब हम कुछ अरसे बाद तैयार हो गए। यह झाड़ी जी झाड़ी नवा पौधा तुम देखो, तो सीरिया बहुत सारे लगे ने। यह देखो कितने सारे पौधे ने जी, ए लो बहुत ज़्यादा पौधे ने। इतने असं आए थे दरबार की सैर में, वैसे क्या लोगों दरबार दिखाइए कदे। यह देखो और बहुत ही खूबसूरत फुल ने, माशाल्लाह यह फुल नज़र आ गए देखो कितने खूबसूरत ने जी। अनार देखो फुल होंगे बहर लै बहुत ज़्यादा लगे ने माशाल्लाह। यह देखो सिर्फ यही पौधे देखे जितने सामने बहुत सारे पौधे थे। लोग अचार वास्ते होंगे पता नहीं, याद नहीं लोग उतार के लैके भी आते कि नहीं, शायद जो दरबार से आते लैके आते हैं।